दोस्तों किसी ने मुझसे पूछा, सर क्या कोई बिजनेस का ऐसा कोई तरीका है, मेरे पास सिर्फ 10,000 रुपये है, क्या कोई ऐसा बिजनेस है जो मैं अपने घर में रहकर ही ये बिजनेस कर सकूं और जिसका मैं महीनों में कम से कम 20 से 25,000 रुपये 30,000 रुपये कमा सकूं, सिर्फ 10,000 रुपये उसके पास पूंजी है। जी हाँ दोस्तों, मैं कह रहा हूँ ऐसा बिजनेस है जिसके द्वारा आपको सिर्फ 10,000 रुपये खर्च करने हैं, लागत सिर्फ 10,000 रुपये खर्च करने हैं, वो भी एक बार ज़िंदगी में आपको एक बार 10,000 रुपये खर्च करने हैं। और महीने का दोस्तों आप महीने का मैं आपको बता दूं, महीने का आपका मिनिमम मैं बताऊंगा, मिनिमम यहाँ पर मैं मिनिमम कम से कम की मैं बात कर रहा हूँ, कम से कम महीने में आपको 15,000 रुपये तो घर बैठे मिलना ही मिलना है, हर हाल में आपको 15,000 रुपये मिलना ही मिलना है। इसके बाद ऊपरी आपकी कमाई है दोस्तों वो 30,000 तक जा सकती है महीने में। जी हाँ दोस्तों, 30,000 रुपया महीना आप आसानी से घर में रहकर कमा सकते, बिजनेस डाल सकते सिर्फ 10,000 रुपये महीने में। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आजकल रोज़गार कहीं नहीं है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, रोज़गार के लिए मरे जा रहे हैं, अपने पूरे परिवार को छोड़ के भाई साहब नौकरी कर रहे हैं, बीवी घर पे परेशान है, तुम कहीं और हो, बच्चा कहीं और है। भैया एक आदमी को सारी जिम्मेदारियां देखने पड़ती हैं, अगर उसकी शादी हो जाती है तो जिम्मेदारी का पहाड़ उसके सर पर आ जाता है ऐसे ऐसे भाई साहब। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, और मैं गारंटेड कह रहा हूँ दोस्तों, गारंटेड कि ये वीडियो देखने के बाद आप दोस्तों सेटिस्फाइड हो जाएंगे, आप संतोष हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे कि सर ने जो बात बताई रियल में बढ़िया बात बताई। और मैं आपको ऐसी बात बताऊंगा, ऐसा बिजनेस बताऊंगा जो आपके आसपास बिल्कुल है ही नहीं है। जी हाँ, ये ऐसा बिजनेस है आपको कहीं नज़र ही नहीं आएगा, न ये आपके आसपास मिलेगा। तो ये जो बिजनेस है वो दोस्तों यूनिक बिजनेस है, यूनिक बिजनेस, ये दोस्तों यूनिक बिजनेस है। थोड़ी बहुत स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है यार, स्पेलिंग मिस्टेक आप पर भी हो जाती होगी, मुझे भी हो जाती होगी, थोड़ा बहुत स्पेलिंग मिस्टेक हो गई तो यार छोटा भाई समझ के उसे खुल जाना। तो ऐसा यूनिक बिजनेस मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों, और गारंटेड आप दोस्तों 15 से 30,000 रुपये महीना बिल्कुल एज ए पार्ट टाइम मान लीजिए, ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी है, ज़्यादा कुछ मूल माथा पच्ची नहीं करनी है, आपको कोरे कोरे 15 से 30,000 रुपये महीना आपको हर महीने आता रहेगा। चलेगा दोस्तों, हम बात करते हैं कि बिजनेस क्या है। लेकिन दोस्तों उससे पहले, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों ये लाल रंग का जो सब्सक्राइब बटन देख रहे हैं यार, दबा दो यार भाई, दबा दो यार, दबाओ यार भैया, इतनी मेहनत करता हूँ यार आप लोगों के लिए, नए नए बिजनेस आइडिया लेके आता हूँ, रोज़गार लेके आता हूँ, तो यार तो चैनल तो आपको सब्सक्राइब करना चाहिए भाई, देखो, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, लाइक दबा दो यार, छोटा भाई हूँ मैं। चलिएगा, अब मैं आपको वो बिजनेस बता दूँ आखिर वो बिजनेस क्या है जिसमें आपको सिर्फ 10,000 रुपये लगाने हैं दोस्तों, और महीने का आपको 15 से 30,000 रुपये गारंटेड आने ही आना है। तो दोस्तों ये मैं अपने चैनल पे आपको बता दूं, मैं अपने चैनल पे दो तरीके के वीडियो लेके आता हूँ। पहला वीडियो दोस्तों मैं लाता हूँ, वो लाता हूँ घर बैठे काम। अगर आप महिला हैं, पुरुष हैं, अनपढ़ भी हैं, उनको ये मैं काम लेके आता हूँ घर बैठे काम। और दूसरा मैं वीडियो बनाता हूँ वो बिजनेस आइडिया, गारंटेड बिजनेस, यानी कम पैसे में आप कैसे बिजनेस शुरू करें जो यूनिक हो, आपको बिल्कुल लॉस ना हो और कम मेहनत लगे। तो आज मैं आपको वही बिजनेस लेके आ रहा हूँ जिसमें आपको कम मेहनत लगेगी, कम वो करना है। अब दोस्तों आपने क्या किया भैया, अब लोग कहते हैं यार काय के लिए बिजनेस मूड मारे हैं। अच्छा एक बताओ, बेरोजगारी दर क्या अभी भारत में, बेरोजगारी दर की बात करें, बताइए क्या स्थिति चल रही भारत में। विश्व में सबसे जनसंख्या अपने देश की है, नंबर वन, चीन को भी पछाड़ दिया बच्चे पैदा करने में। अब यहाँ पर इंडिया में सिर्फ 10 में से 1 बंदा नौकरी कर रहा है, 10 में से 1 बंदे को नौकरी मिल रही है, 10 में से 1 भाई साहब। सरकारी नौकरी तो मान ही लो, सरकारी नौकरी मिलती है 50 में से 1 बंदे को सरकारी नौकरी, सरकारी वो भी यार कब, जब नौकरी आए 2000 जगह सरकार ने निकाली है, तो हमें मालूम फॉर्म कितने पड़ते, 10 लाख फॉर्म यार, बताओ 10 लाख फॉर्म, कितना हैवी कंपटीशन, वो भी भर्ती हो जाए तो हो जाए, और इतने सारे टेस्ट कर रखे, ऐसा लगता है जैसे कोई IAS PCS का हम पेपर दे रहे हो। तो इसलिए दोस्तों बिजनेस कीजिए, घर में रह के कीजिएगा, अपने परिवार के साथ रह के कीजिएगा। क्या नौकरी में यार
10-15-20 हज़ार 25 हज़ार कहीं प्राइवेट जॉब में यहाँ ऐसी तैसी मराएंगे, क्या मतलब है? इससे बढ़िया बिजनेस कीजिए ना, ऐसा बिजनेस कीजिएगा जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट बहुत कम हो और प्रॉफिट हमेशा मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, अब हम करते हैं बात कि आखिर वो बिजनेस क्या है। दोस्तों आप लोग सब लोग जानते होंगे कि आपके यहाँ शादी ब्याह तो होते ही होते हैं, हर इंसान की शादी होती है। अब इसमें दोस्तों होता क्या है कि दूल्हा दुल्हन सबसे ज़्यादा खर्चा शादी में रहता है। सबसे ज़्यादा जो खर्चे की अगर बात करें तो होता है वो दूल्हा और दुल्हन की ड्रेस के ऊपर। ड्रेस, अब भाई ये मत कहो यार भाई, अरे सर ये आप क्या कह रहे हो ड्रेस पे आ गए। भाई आज एक मिनिमम बजट में ले लीजिए कि दूल्हा और दुल्हन की जो शेरवानी होती है या दुल्हन का जो लहंगा होता है, आज मिनिमम मैं बता रहा हूँ दोस्तों करीब 15,000 रुपये रेट, जिस सिंपल सा लहंगा है 15,000 रुपये लहंगे पे खर्च होना ही होना है। अब जो थोड़ा मीडियम परिवार के लोग होते हैं दोस्तों, वो लहंगे पे आराम से 30,000 से 50,000 रुपये फूंक देते हैं, यानी लेडीज 30,000 से 50,000 रुपये लहंगे में लगा ही देती हैं, क्योंकि उनको कुछ स्पेशल बनना है। होता भी है भैया, पहली शादी है तो सब कुछ करना पड़। अब दूसरा करते हैं लड़के की शेरवानी। शेरवानी ले लीजिए या लड़के की जो भी कुछ है, जो भी सारा सामान आता है शादी का, वो सारा जैसे उसके जूते हो गए और जो कटार होती है, टोपी हो गई और जो भी कुछ है लड़के का, दोस्तों सिर्फ एक बार इस्तेमाल होता है, एक बार इस्तेमाल। लड़का अपनी ड्रेस अगर लेता है तो वो इस्तेमाल करता है सिर्फ शादी में एक बार, यानी जब उसकी शादी होती तभी वो अपनी ये जो भी दूल्हे की जो ड्रेस होती है वो एक बार इस्तेमाल करता है अपनी ज़िंदगी में शादी, और उसके बाद क्या करता है, फीकी फीकी फिरती है भैया। अब पैसा फूका कितना, इसमें भी उसने करीब 20,000 रुपये फूक दिए। भैया शादी है भाई, पैसा फूकेंगे, अरे क्या है भाई, पहली शादी है, बीवी भी खुश हो जाएगी, बाद में उलाना देगी, अरे तुमने सस्ती मद्दी ड्रेस ले ली। तो खासकर कपड़ों पर खास ध्यान लोग रखते हैं। तो दोस्तों अब आपको क्या करना है, 10,000 रुपये मैंने आपको बताया, 10,000 रुपये में आपका बिजनेस शुरू हो जाएगा। देखिएगा आपको दोस्तों ये करना है कि आपको ये सामान रेंट पे देना है, रेंट पे। अब आप कहोगे सर रेंट पे कहाँ से देंगे भैया, अगर हम खरीदेंगे तो वो काफ़ी महंगा पड़ेगा। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ इसका सॉल्यूशन, आप कैसे करेंगे ये रेंट पे कैसे सामान देंगे, क्योंकि दुल्हन अपनी ड्रेस एक दो दिन बस पहनेगी, बस शादी के बाद एक और दिन पहन लेगी, कोई करवा चौथ वाले दिन या किसी और शादी में पहन लेगी बस, उसके बाद वो नहीं पहनेगी, वो रखी रहेगी। और दूसरी बात ये है कि ये जो ड्रेस हैं, जो औरतें अगर अपनी साड़ी किसी और को दे दें या जो भी ड्रेस जो उसने पहनी है लहंगा वो किसी और को दे दें, तो औरतें हाल पहचान लेती हैं, अरे ये तो उस लड़की ने पहनी थी, ये तो उसका लहंगा है। तो ऐसे में कोई लेडीज़ किसी को देती भी नहीं है, वो रखे रहती है, बेकार हो जाती है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कैसे आप 10,000 रुपये में ये बिजनेस शुरू करेंगे। देखिएगा दोस्तों आपके पास दो तरीके हैं, पहला यह तरीका थोक, थोक बाज़ार। आप थोक बाज़ार में जाइएगा, ये ले आइएगा। यहाँ अगर मार्केट में आपको लहंगा जो भी कुछ आपके लोकल मार्केट में मिलता है, मान के चलिएगा लहंगा 15,000 रुपये मिल रहा है, तो यही दोस्तों थोक में आपको 5,000 रुपये में मिल जाएगा। जी हाँ, ये होता है आपको पैसे खर्च करना पड़ेगा, लेकिन इसमें दोस्तों आपको लाखों रुपए चाहिए, लाखों रुपए। लेकिन दोस्तों हमारे पास है सिर्फ 10,000 रुपये। अब 10,000 में ये कैसे शुरू होंगे, तो चलेगा हम यहाँ पर लाखों की हम बात नहीं करेंगे, ये हमने काट दिया लाखों का। अगर आपके पास लाखों का बजट है तो आप ये शुरू कर सकते हैं। अब मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूँ कि दूसरा तरीका क्या है, चलेगा दूसरे तरीके पर बात करते हैं। दोस्तों दूसरा तरीका है जिसकी शादी हो जाती है, लड़के की शादी हो गई, आप चाहो तो उस जिसकी भी शादी होती है उससे जाके आप बात कर सकते हो, और उसका जो भी लहंगा और जो भी शेरवानी है वो उससे कम पैसे में ख़रीद सकते हैं सारे सामान। देखिए दोस्तों लेडीज़ तो एक दो बार यूज कर लेंगी, उनसे आप बाद में लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन शेरवानी जो लड़का है, जो शादी का पूरा सामान होता है, वो लड़का सिर्फ़ एक बार इस्तेमाल करता है, क्योंकि बार बार नहीं पहनेगा यार बंदा,
और पहनेगा, क्योंकि शेरवानी और लहंगा एक ऐसी चीज़ होती है अलग हटके कि बंदा हाल बोल देगा अरे ये तो तुमने अपनी शादी में पहनी थी यार, हटाओ यार इसे। और लेडीज़ की और जेंट्स की भी भाई उलाने कौन सुने, तो वो लोग मेरी शादी में मैंने कभी अपनी शेरवानी नहीं पहनी, सिर्फ शादी वाले दिन भी पहनी। मेरी बीवी ने भी लहंगा पहना सिर्फ एक दिन, शादी वाले तो दिन पहना ही, इसके साथ ही करवा चौथ में पहना, और एक अपनी जो भाई के शादी में इन्होंने ये पहना था लहंगा, बस फिर नहीं पहना, वो डलाई है, कोई इस्तेमाल नहीं। तो दोस्तों आप इनके पास जाके आप इस चीज़ को जो भी 25-30 हज़ार की हो, लेकिन ऐसे में आदमी जो भी कुछ कहता भैया जो भी कुछ है ले ले जा, आप 2000 रुपये में दे के ये चीज़ खरीद सकते हैं। आप शुरुआत कीजिए छोटे से, एक 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 शेरवानी और एक लहंगा। अब दोस्तों आपको अपना एक छोटा सा बोर्ड बनवा लेना या विजिटिंग कार्ड कि हम रेंट पर ये कपड़े देते हैं, बस सीधी सी बात है भाई, ज़्यादा कुछ नहीं, बढ़िया अगर लहंगा ये शेरवानी होगी मैचिंग के होनी चाहिए तो आराम से आदमी ले लेता है। उसके बाद आपको ये सफाई, इसमें ड्राई क्लीनिंग होती है, तो आपको अगर कोई आपसे रेंट लेता है तो आप ड्राई क्लीनिंग बिल्कुल करवाएं, क्योंकि चमक नहीं आती ड्राई क्लीनिंग में, और ड्राई क्लीनिंग का जो होता है ज़्यादा पैसा भी नहीं खर्च होता है। तो इसमें दोस्तों आप जो, अब इसमें रेंट हम क्या लेंगे मतलब, तो यहाँ पर दोस्तों जो कुल लागत आती, जो शेरवानी जो भी जितनी भी होती है, इसका हम 20% रखते हैं, 20% आप अपना रेंट रखिएगा 20%। अब आपने 2000 लिया उससे, उसको क्या पता है कि वो तो जानेगा भैया नई चीज़ है और भाई महंगी है। अगर किसी शेरवानी या लहंगे की कीमत 20000 है या 10000 है, तो आप दोस्तों इसका 20% ले लीजिए, यानी 20000 है तो 4000 हो गया, और अगर 10000 है तो आपका 2000 रुपये हो गया। शादी ब्याह में आपके रेंट काफ़ी उठेंगे दोस्तों, जब सारगा होता है तो भारी भारी सारगा होता है, यानी 15-15 दिन 20-20 दिन सारगा रोज का रोज चलता है, और आपको दोस्तों शेरवानी भी दूल्हा पहनता है वो सिर्फ रात के टाइम ही पहनता है, अगर वो एक्स्ट्रा दिन करता है तो उसका आप चार्ज डबल लीजिएगा, जितने दिन तू रखेगा उतना चार्ज देगा डबल। इसके साथ ही दोस्तों अगर कोई उसमें कुछ दिक्कत आती है, थोड़ी बहुत अगर कोई चीज़ बिगड़ती है या गंदा होता है, उसका भी चार्ज आप उसी से लेंगे, जैसे बटन टूट गया तो उसका बटन का भी चार्ज आपको इन्हीं लोगों से करना, या आप अपने पहले से बता दीजिएगा भाई हमारी ये कंडीशन है। तो दोस्तों ये काम है जो कि आप रेंट पे शुरू कर सकते हैं। अगर आपके पास 10000 रुपये है तो दोस्तों आराम से 2 जोड़ी शेरवानी और लहंगा आप ले सकते हैं किसी से भी, आप चाहे तो मुझसे ले लीजिए, मैं आपको 1000 रुपये में दे दूँगा, 1000 रुपये में मैं अपना दे दूँगा, 1000 रुपये अपनी वाइफ का दे दूँगा। दोस्तों ये था बिजनेस आइडिया जो कि मैंने आपको बता दिया। दोस्तों पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।